हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। कुछ दिन पहले मैंने नर्सरी विजिट किया था, तो नर्सरी टूर का जो व्लॉग है वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो जिन्होंने देखा है तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आज के वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको देख सकें। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं नर्सरी से जो पौधे परचेज करके लाया था, मैं उनके नाम, वो कौन से पौधे हैं और उनकी प्राइस मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आज मैं वो बताऊंगा। टोटल 13 पौधे मैं नर्सरी से अपने घर लेके आया हूँ, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मेरे टेरेस पे अब मेरे पास में स्पेस बहुत ही कम बचा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 350 प्लस प्लांट्स हो चुके हैं। ये सभी प्लांट्स मेरे कलेक्शन में नहीं थे, तो मुझे इस वजह से इन प्लांट्स को लाना पड़ा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ नाम के साथ मैं कौन कौन से प्लांट्स लेके आया। एक तो मैं लेके आया हूँ ये शफलेरा, जिसे हम अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। तो मेरे पास इसका जो फुल ग्रीन लीव्स में आता है वो भी है, और एक वेरीगेटेड मेरे पास था, तो वो किसी कारण से मेरे पास सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे को ये लाना पड़ा। दूसरा मैं लेके आया हूँ ये मिनी चांदनी, जिसे क्रेप जैस्मिन भी कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे इसमें वाइट कलर के सुंदर से फूल आते हैं, तो ये देखिए। तीसरा मैं लेके आया हूँ ये क्रोटोन। ऑलरेडी मेरे पास क्रोटोन की और भी वैरायटी है, बट ये वाली नहीं थी, तो एक मैं ये भी लेके आया। इसकी भी लीव्स बहुत ही प्यारी लगती है, इस पे ग्रीन पे येलो ये वेरिएशन रहता है। चौथा मैं लेके आया हूँ ये रिबन ग्रास, इसको आप हैंगिंग में भी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर ये लगती है, तो ये देखिए। और पांचवा जो मैं लेके आया हूँ ये है हेबिकस, ये ड्राफ्ट वैरायटी है, देसी मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसमें पता नहीं, भैया ने दिया तो है पर फ्लावर कौन से आएंगे मुझे भी नहीं पता। और छठा पौधा मैं लेके आया हूँ ये गार्डनिया का, जिसे हम गंधराज कहते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर वाइट कलर का फ्लावर आता है, और ये देखिए फ्लावर बर्ड भी इसमें आ रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है घर पे लगाने में। और सातवां पौधा मैं लेके आया हूँ एक्जोरा का, ये भी मेरे पास नहीं था, अभी ये थोड़ा छोटा है, बड़ा होने के बाद जब इसमें ब्लूमिंग होती है तो बहुत ही सुंदर इसमें लाल कलर के फूल आते हैं। देखिए छोटे छोटे बर्ड्स भी इसमें हर जगह आ रहे हैं। आठवां पौधा जो मैं लाया हूँ वो है सागो पाम, जिसे हम साइकस भी कहते हैं। तो भैया से मैंने वैसे इनको बड़ा मांगा था, पर भैया के पास अवेलेबल नहीं थे तो मुझे छोटे लाने पड़े। देखिए ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इनको अपने पास ही बड़ा कर लेंगे, क्योंकि बड़े मुझे इसलिए चाहिए थे क्योंकि मेरे जो टेरेस पे कॉर्नर्स हैं मुझे उस पे रखना था, तो भैया बोले आप नेक्स्ट टाइम लेके जाइएगा। तो दो मैं ये सागो पाम लेके आया हूँ। और नौवा जो प्लांट है वो मैं लेके आया हूँ ये लेडी पाम, जिसे हम फिंगर पाम भी कहते हैं, लेडी पाम। तो तीन मैं ये लेके आया हूँ बहुत ही बड़े बड़े, तो ये देखिए दो ये आपको सामने दिख रहे हैं, और तीसरा मैंने अभी कहीं रख दिया है, तो इस वजह से तीसरा मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरी जो स्टेयर्स है बाहर वाली बालकनी, तो मुझे वहाँ इनको रखना था, क्योंकि वहाँ बहुत ही सूना सूना लगता है, तो इसलिए मैं बड़े लेके आया। और ये मैंने अभी पॉट्स में लगाए नहीं है, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए इसमें रख रखा है। और दसवां पौधा मैं लेके आया हूँ जो ये है पेंडनस, ये देखिए वेरिएशन इस पे येलो और ग्रीन कलर का, ये स्पाइडर प्लांट की जैसे दिखता है, तो ये भी मेरे पास था नहीं, तो मैं मेरे कलेक्शन में इसको भी ऐड किया है। तो टोटल 13 पौधे मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, और जब भी मैं इनको पॉट में लगाऊंगा तो मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि जो हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो उसको किस तरीके से हमको पॉट में लगाना चाहिए। तो आपको ये पौधे मेरे कैसे लगे तो प्लीज़ आप मेरे को सभी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में सभी जान पाएँ कि ये कौन सा पौधा है, इसे किस नाम से हम जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।